हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शालीन पाठशाला में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, ये तो आपको ज्ञात ही होगा कि लाभ और हानि क्या होता है। दोस्तों, सौदा करने में चार चीज़ें अपने सामने होती है, जिसमें पहला होता है क्रय, यानी किसी चीज़ को हम खरीदते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्रय कहते हैं। और एक होता है विक्रय, बेचने को क्या कहा जाता है, विक्रय कहा जाता है, और खरीदने को क्रय कहा जाता है। इन दोनों के अंतर में लाभ और हानि भी इसी में समाहित होता है। अब लाभ कब होता है और हानि कब होती है, तो देखिए दोस्तों, किसी वस्तु को हम कम मूल्य पर खरीद कर अधिक मूल्य पर यदि हम उस वस्तु को बेचते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। और अधिक मूल्य पर खरीद कर कम मूल्य पर उस वस्तु को बेचा जाए तो वहाँ हमें क्या होती है, हानि होती है। जैसा कि किसी वस्तु का मूल्य 2 रुपये है और 2 रुपये में खरीद कर किसी उस वस्तु को 5 रुपये में यदि अपन बेचते हैं तो दोस्तों 5 और 2 के बीच में 3 का डिफरेंस आ रहा है, तो 3 क्या हुआ अपना, प्रॉफिट हो रहा है। या क्या हो रहा है, प्रॉफिट क्यों हो रहा है, क्योंकि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्योंकि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज़्यादा है, इसलिए हमें वह लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। इसी के अनुसार अपन हानि को समझ सकते हैं। मान लो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 10 रुपये हो और उस वस्तु का विक्रय मूल्य 8 रुपये हो, तो वहाँ पर देखिए दोनों के बीच में क्या अंतर आ रहा है, 2 का अंतर हो रहा है, यानी क्रय और विक्रय में 2 रुपये का अंतर हो रहा है, यानी कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य 2 रुपये कम है। जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को अपन देखें, क्रय और विक्रय मूल्य में अंतर तो 2 का आ रहा है, तो क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होता है तो हमें क्या होती है, हानि होती है, यानी कि लॉस होता है। यह तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ ही गया होगा। अब देखते हैं लाभ और हानि ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो देखिए दोस्तों, लाभ ज्ञात करने का सूत्र क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होता है तो लाभ होता है। तो लाभ का सूत्र होगा दोस्तों, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, लाभ मिल जाएगा, यानी कि प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर हानि ज्ञात करना हो तो हानि ज्ञात करने के लिए क्या करना है, हमें क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दीजिए, आपको क्या मिलेगा, हानि मिलेगी। इन्हीं सूत्र के आधार पर, यानी कि इन 2 फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों के आधार पर ही हम इस टॉपिक को हल करेंगे। इससे बनने वाले जो भी सवाल हैं उनको हम हल करेंगे। अब इसके लिए मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, 2 प्रश्न मैंने आपके लिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपके लिए। तो देखिए क्या है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, एक कुर्सी 450 रुपये में खरीद कर 500 रुपये में बेची जाती है तो लाभ या हानि, लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। पहला
पहला सवाल ये था। दूसरा सवाल है, एक भैंस 75,000 रुपए में खरीद कर 70,000 रुपए में बेची जाती है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। दो सवाल है। पहला सवाल है, एक कुर्सी 450 रुपए में खरीद कर, यानी कि खरीदने का मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, और 500 रुपए में बेची जाती है, यानी कि बेचने को विक्रय मूल्य कहा जाता है। 450 और 500 दोनों में देखिए कितना अंतर है। यहाँ पर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा है। जब ज्यादा होता है तो दोस्तों लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ ज्ञात करने का सूत्र क्या है? लाभ ज्ञात करने का सूत्र होता है प्रॉफिट इक्वल टू क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देना। तो देखिए प्रॉफिट का यानी कि लाभ ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य में से क्या करना है, हमें क्रय मूल्य को घटाना है, यानी कि 500 रुपये माइनस 450 रुपये, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट है 50 रुपये का। कितना मिला? 50 रुपये का आपको क्या मिला? प्रॉफिट मिला, यानी कि लाभ आपको हुआ। ये सवाल नंबर वन हुआ आपका। दूसरा है, एक भैंस 75,000 रुपये में खरीद कर, यानी इसका क्रय मूल्य हुआ भैंस का कितना? 75,000 रुपये, और विक्रय मूल्य हुआ उसका 17,000 रुपये, क्योंकि बेचने को विक्रय मूल्य कहा जाता है। पूछा जा रहा है लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो देखिए जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होता है तो हमें हानि होती है। तो इसमें हमें क्या लगाना है? सूत्र हानि वाला लगाना है। तो यहाँ देखिए दूसरा सवाल, हानि बराबर में होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य था अपना 75,000 माइनस 17,000। तो देखिए हानि कितनी आई अपने पास में? 5,000। 5,000 रुपए की क्या हो रही है उसको? हानि हो रही है। इस प्रकार से दोस्तों लाभ और हानि को ज्ञात किया जाता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि लाभ कब होता है और हानि कब होती है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्यादा हो तो लाभ होता है, और क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम हो तो हानि होती है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में अच्छी तरह से आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।